हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पृथक नंबर 18, जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 16 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना नया चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो ज्ञान है वो पूछता है, जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसकी छोटी छोटी आयकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं, तो क्या सभी जीव इस प्रकार कोशिकाएं से बने होते हैं? तो ज्ञान जो जिज्ञासा दीदी होती कहती है, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एक संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। अब जीव भी आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, कैसे? एक कोशिक जीव और बहु कोशिक जीव। एक कोशिक जीव जो केवल एक कोशिका से बने हो, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और बहु कोशिक जीव जो एक से ज़्यादा अनेक कोशिकाओं से मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं, जैसे कोशिकाएँ बहुत सारी कोशिकाएँ मिलकर उत्तक बनाती हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, यानी बॉडी बनाते हैं हमारी। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पादप जंतु कवक। दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? यहाँ पे एक जो ज्ञान है वो पूछता है कि सारी कोशिकाएं सेम होती हैं, तो कहती है जो जिज्ञासा दीदी वो कहती है, नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं, पादप यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। अब यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के डिफरेंस भी बता रखा है। ये इसका आकार छोटा होता है, 1 से 10 UM के बीच में। इसका आकार बड़ा होता है, 5 से 100 UM के बीच में। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक जो होता है वो नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रिकाएँ होता है, इसमें केंद्रिका होती है, इसमें विशिष्ट अंग नहीं होते, इसमें विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका सारे अंग होते हैं। ये सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा बैक्टीरिया, इसका उदाहरण हो जाएगा पादप जंतु और कवक। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था, यानी सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लियोन वेहेंट ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनती हैं, तो ये आपको बता रखा है यहाँ पे। आगे यहाँ पे आपको एक माइक्रोस्कोप की इमेज दे रखी है, आप देख सकते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी की इमेज दे रखी है, जिसमें ये दे रखा है, यहाँ से हम देखते हैं नेत्रिका होती है, ये नलिका होती है, ये स्थूल समंजन, ये सूक्ष्म समंजन होता है, यहाँ मंच होता है जहाँ पे हम, और ये स्लाइड होती है जिसपे हम अपना जो ऑनियन पील यानी प्याज की झिल्ली या कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ दर्पण आता है, यहाँ से रोशनी आती है, अभिदृश्यक होता है, और यहाँ से हम देखते हैं हमें दिख जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, कोशिका की परिभाषा लिखो, तो आप इसका आंसर करेंगे कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एक संरचनात्मक इकाई होती है। प्रश्न नंबर दो है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये यूकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों आप, ये मैंने आपको अभी बताया, ये आप आंसर नंबर 2 में कर लेंगे, ये पूरी टेबल आप बना लेंगे। देन ये आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले का कोशिका जो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे? तो आप इसका आंसर करेंगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका अवलोकन किया, यह सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। देन फोर्थ क्वेश्चन है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे एक कोशिका जीव यानी अमीबा, पैरामीशियम आदि जीवों का शरीर एक ही कोशिका का होता है। बहुकोशिक जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, जैसे पेड़, मानव, ये सारे हमारे बहुकोशिक जीव हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।